वेल बेहद ही कम लोग ये जानते हैं कि बॉबी देओल और अजय देवगन नेबर्स हैं। और ये दोनों सिर्फ 90s के पॉपुलर एक्टर्स नहीं बल्कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी कॉलेज के दिनों से, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे के काफी सारी सीक्रेट्स जानते हैं। और हाल ही में एक इंटरव्यू का फायदा उठाते हुए बॉबी देओल ने अजय देवगन के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह अजय देवगन अपने पिता वीरू देवगन को कॉलेज के दिनों में चीट किया करते थे। बॉबी देओल ने बताया कि अजय देवगन के पिता और बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने अपने बेटे के लिए एक जिम्नासियम बनाया था, लेकिन अजय देवगन जिमिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इसे स्किप करते थे। और बॉबी देओल अजय देवगन से मिलते वक्त इस जिम का फायदा उठाते थे, लेकिन जब अजय देवगन के पिता वीरू देवगन वहाँ पहुँचते थे तो अजय देवगन अपने पापा को चीट कर खुद पर पानी डालकर ये जताते थे कि उन्होंने खूब वर्कआउट किया है। बॉबी ने हंसते हुए अपने स्टेटमेंट में कहा, मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे अजय कभी भी वर्कआउट नहीं करते थे, उनके पिता ने उनके लिए जिम बनाया था लेकिन उनकी जगह मैं उस जिम में वर्कआउट करता था, और जब उनके डैड वहाँ पहुँच जाते थे तो झट से खुद पर पानी छिड़क देता था, मानो इस तरह कि उसे बेहद पसीना आ रहा हो। वो काफी शैतान था, मुझे नहीं पता कि वो अब मेरी फिजिक्स से जलता है या नहीं, लेकिन अब वो भी काफी फिट है। वेल, बॉबी देओल के इस खुलासे से तो यही लगता है कि अजय देवगन बचपन से ही काफी शरारती थे। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।